नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे, किसानों को जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई। हरियाणा में किसानों की फसलों से मंडियों में रौनक बढ़ गई। आज से फसलों की खरीदारी शुरू हो गई। क्या हाल है प्रदेश की मंडियों का, दिखाएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट। दूसरी खबर में बात करेंगे कि हरियाणा में बढ़ते नशे और सरकार के उठाए गए कदम की। साथ ही झोला छाप डॉक्टर की काली करतूत को भी आपको दिखाएंगे, ताकि लोग सतर्क रहें। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में किसानों की फसल खरीदारी की। प्रदेश की मंडियां खरीफ की फसल से लहलाने लगी हैं। हरियाणा सरकार के धान की खरीफ की खरीदारी का जो ऐलान किया था, उसके बाद से किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों का रुख कर रहे हैं। मंडियों में शुरू हुई फसल खरीदारी से किसानों से लेकर आढ़ती तक खुश हैं। लेकिन इस वक्त की मंडियों में क्या कुछ चल रहा है, इसको देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खरीदारी का आज पहला दिन है। वहां के क्या हालात हैं, क्या व्यवस्था है, किसानों को लेकर क्या कुछ तैयारी की है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मंडियों में आज फसलों की खरीद जो शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जो पीआर धान व बाजरे की फसल की आज जो खरीद शुरू होनी थी। मंडियों की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ किसान अपनी फसलें लेके पहुंच रहे हैं। हरियाणा में धान की खरीद आज से शुरू हो गई, जिससे प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। सरकार ने ऐलान किया था कि 1 अक्टूबर से धान बाजरे समेत खरीफ की फसल खरीद का, उसी का पालन करते हुए खरीदारी की जा रही है। किसान अपने धान को लेकर मंडियों का रुख कर रहे हैं। पहले तो ये कल तो 3400 जैसी तक बिकी थी कंबाइन की, रात की बिकी थी ये 3600 तक बिकी थी। आज बिकी है ऊपर में 3380 रुपये। बाकी ये मौसम के कारण से दुकर ये बारिश होगी ना, ये लास्ट वाली इसमें नमी के कारण कुछ जीरी गिर गई। पर ईमानदारी से माल तुलता है और जो जायज पैसा होता है वही कटता है। से खरीद शुरू होगी, बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन पर्चे भी कटने शुरू हो गए पोर्टल पे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 8 बजे से शुरू हो गए, सब कुछ रूटीन में काम चल रहा है। किसानों को आज के दिन का काफी दिनों से इंतजार था, जो पूरा हो गया। हरियाणा की मंडियों में धान आना शुरू हो गया। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर संबंधित विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। धान की पीआर की खरीद जो है विधिवत रूप से स्टार्ट हो गई है। सभी जो आढ़ती भाई है इनसे मुलाकात हो गई है, इनको किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टर की भी कोई इशू नहीं है, मिलर से भी बात हो गई, उनका भी कोई इशू नहीं है। ये रहेगी कि लिफ्टिंग को लेकर कोई समस्या ना रहे, क्योंकि 3-4 दिन के बाद में फिर से बारिश की संभावना है, इसलिए सारे जमींदार जल्दी से जल्दी निकलवाना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी कि 1-2 दिन में मंडी खाली कर दी जाए। किसानों को निर्देश ने किसानों के लिए अनुरोध है कि वो अपनी फसल सुखा कर मंडी में लेके आए, ताकि मंडी में आती उनकी फसल को बिक सके और सही रेट मिल सके। सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए हम पूरी कर चुके हैं। किसान को ऑनलाइन गेट पास करने देने की सुविधा कर दी है, अंदर पीने का पानी, टॉयलेट वगैरह जो जो भी साफ सफाई का सब कुछ कर दिया प्रबंध। आज से जो पीआर धान जो सरकारी खरीद होती है वो स्टार्ट हो गई है, और हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से जो ई खरीद पोर्टल है वो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। किसान भाइयों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन है, वेरीफाई हो चुका है, उन्हीं का गेट पास इशू होगा ई खरीद पोर्टल पर और उन्हीं की खरीद की जाएगी। हमारी ई खरीद पोर्टल पे ऑनलाइन गेट पास जारी होने शुरू हो गए हैं, और अभी तक कम से कम अभी इस टाइम लगभग 45 गेट पास कट चुके हैं। किसानों की खरीफ की फसल पकने का इंतजार किसानों के साथ ही अनाज मंडी के आढ़तियों को भी था। किसानों के मंडी में फसल लाने से मंडी में भी रौनक आ गई। शुरू हुई खरीदारी से आढ़ती भी खुश हैं। अभी तो जो बारिश आई है ना जी, उस वजह से कुछ मॉइस्चर है ज्यादा माल में, तो गवर्नमेंट तो अभी तो आई नहीं है, वो तो 1 बजे के बाद आएगी। तो आज से अभी तक तो कोई आया नहीं है। जो प्राइवेट हमारा माल आता है, ये जो 11-21-15-9 आजकल 15-9 की वैरायटी आ रही है, कंबाइन से ज़्यादा माल कट रहा है,
तो थोड़ा मॉइस्चर है इसमें। अभी सरकार का तो देखो जी, दिन में जो है टाइम होने के बाद आएगी, चेक करेगी, उस पर कोई डेयरी पास होती है तो लग सकती है, अभी चालू नहीं हो रही आज का टाइम का। अच्छा, और जो ये अपना 15-9 दान चला हुआ है, 15-9 आज 3300-3350 रुपये तक भी क्या है। सारी जो खरीद होती है पीआर बोटे धान की, वो आज से शुरू हो गई है, और हमारी मंडी में किसान के लिए आने के लिए अच्छी सुविधा है, उसके लिए पंखे, झरने, क्वालिटी ठीक करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। मंडी शुरू हो गई है और किसान पूर्ण मात्रा में माल लेके आ रहा है, मंडी भर के चल रही है। कल भी लगभग 15,000 क्विंटल, लगभग 28,000-30,000 बोरी मंडी में धान था, और सभी धान 3700 रुपये तक कल बिका। आज मंडी की आप देख रहे हैं, जैसे मेरे पीछे बोली उठ रही है, और मंडी में किसी प्रकार की किसान को दिक्कत नहीं है। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर अनाज मंडी के आढ़ती हड़ताल पर चले गए थे। आढ़तियों की कुछ मांगों को सरकार ने मान लिया था, जिसके बाद उनकी हड़ताल खत्म हुई और सरकार की खरीदारी के ऐलान के बाद आढ़तियों ने धान की खरीद शुरू की, जिससे किसान खुश हैं। आज से खरीद शुरू हुई है जी, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माल लेके आ गए यहाँ पे और ठीक चल रहा है जी कारोबार। तो अच्छा है, जो एक तरीके से इन्होंने कहा था कि आपने सही टाइम पर खरीद शुरू कर दी है, होटल पे सवेरे 8 बजे से चल रहा है। धान की फसल लेके आयो, क्या आपकी फसल खरीदने के लिए कोई एजेंसियाँ पहुँची अभी तक? यहाँ कोई अभी कोई नहीं पहुँचा? अच्छा, आड़ती है वो फसल खरीद रहे हैं आपकी। क्या रेट रखा गया आपके बार, क्या तय किया गया रेट? रेट का कोई पता नहीं, कोई रेट का कोई पता नहीं है। हरियाणा में मौसम की बेरुखी से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लगातार हुई बारिश में किसानों की फसल सड़ने से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। ऊपर से मंडियों में खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान थे, लेकिन आज से शुरू हुई खरीद से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। यार धान की जो वैरायटी है फतेहाबाद की मंडियों में नहीं पहुंची, ना बाजरी आई है। सोम मंगलवार तक जो है फसल यहां आने की आशंका जो मंडी प्रधान के द्वारा कही गई है, उसके बाद खरीद यहां सुचारू रूप से हो जाएगी। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा की मंडियों में इस वक्त क्या हाल है, इसी को लेकर घरौंडा मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कौशिक ने। आज 1 अक्टूबर को प्रदेश सरकार द्वारा मंडी में सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। घरौंडा एसडीएम अभय जांगड़ा ने ठीक 11 बजे मंडी में धान की आवक है, जो सरकारी बोली है, वो शुरू कर दी है। मंडी में बड़ी मात्रा में कल से धान है जो किसान लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान जो धान लेकर आए हैं, वो मौके पर मौजूद है, बात करते हैं कि किस प्रकार से मंडी में जो आवक आ रही है और किस प्रकार से जो किसानों को मंडी में जो सहूलियत दी जाएगी उसके बारे में बातचीत की जाएगी। हमारे साथ कुछ किसान है जिनसे बातचीत करेंगे, वो किस प्रकार से देखे हैं जी। जी बताइए, आप मंडी में धान की आवक लेके आए हैं, किस प्रकार से देखते हैं और क्या जो सरकारी रेट है वो मिल पा रहा है, मंडी में क्या सुविधा दी गई? सरकारी रेट तो आज मिलेगा जी, 2 दिन पीछे कुछ नहीं मिलता है, सब बकवास है जी। जी नहीं, कारण की 1500 भी गिरी थी, आज 3100 भी अंडे रहे हैं, 3000 ले रहे बल्कि जी। जो दूसरी जो धान है जो लेके आ रहे हैं उसका रेट क्या है, जो 2060 रुपए सरकार ने तय? बस आज शुरुआत आज ले लेंगे, 2060 ले लेंगे, 2100 ले लेंगे, कल फिर देख लिया पूरा, कल कोई लेबर लड़ाई पैदा था, इसमें नमी है, इसमें उनकी कंडीशन पूरी होंगी। तो कारण क्या है, जिस प्रकार से बारिश आई थी कहीं ना कहीं किसानों की जो धान है वो भीगी है, कहीं ना सरकार को सरकार देना था जन्दे दुनिया, तो कुदरत के ऊपर अजी खेती का, तो सरकारी ने समझ नहीं क्वालिटी कड़े तो बढ़ाओगे इसकी, बताओ जीरी की कोई मशीन थोड़ी हम क्वालिटी बना के दे देंगे जी। जो कुदरत मैंने काला दाना कराया या कुछ भी होया हरियाणा, फिर उसमें नमी बताओगे, नमी पूरी होती है नी। धान की फसल लेकर आए किस प्रकार से देखते हैं, आज सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, क्या मांगते हैं, सरकारी रेट मिल पाएगा? ऐसे में क्या रहेगा, किसान को नुकसान होगा? क्या 20 क्विंटल निकल रही है, कम से कम 20 क्विंटल निकलनी चाहिए कम से कम जी। और ऊपर तो ये रेट तोड़ रहे, तो ऐसे में क्या रहेगा, किसान नुकसान में जाएगा? हमारे साथ ये कुछ किसान जिन्होंने बताया है कि भी जिस प्रकार से सरकारी रेट आज तय किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंडी में जिस प्रकार से धावक धान की आवक ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं आड़ती और राइस मिल है इनका शोषण करने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ और आड़ती है, उनसे बात करेंगे वो किस प्रकार से देखते हैं जी। क्या नाम आपका?
जेजी मंडी में धान की आवाज लेकर आए, किस प्रकार से देखते हैं और मंडी में किसानों के लिए क्या सहूलियत दी गई है? रोज सहूलियत बैठे हैं, कोई खरीद नहीं रहा। जी जी, तो धान की खरीद आज शुरू हो चुकी है, सरकारी बोली शुरू हो चुकी है, तो आज हो जाएगी? आज हो जाएगी, 1500-1600 रुपये कोई खरीद नहीं रहा, वो राइया कड़ा गिर रही है। पूरी व्यवस्था की है किसानों को रहने के लिए, जगह है पानी के लिए, बाथरूम के लिए, क्या मंडी में सुविधा है? कुछ नहीं आएगा। धान की फसल लेकर किस प्रकार से देखते हैं? आज सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लगता है कि भी धान बिक पाएगी? हाँ जी, ये 3000 तो कम हो गई है, 1500। तो कारण क्या कम होने का? थे जिन्होंने बताया कि आज जो है सरकारी रेट की धान की जो बिक्री है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे धान की फसल की आवक मंडी में तेज होगी, कहीं ना कहीं किसानों को जो लूटने का काम है, जो शोषण करने का काम है, वो किया जाएगा। रोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कुशी। भिवानी मंडी में भी फसलों की खरीदारी हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ इस वक्त मंडी में चल रहा है, हमारे सहयोगी ने मंडी का जायजा लिया। हरियाणा में अब खरीद शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं भिवानी की मंडियों में जिस प्रकार से जो किसान हैं वो बाजरा लेकर के पहुंचे लगे हैं। हालांकि दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है तो धान काफ़ी कम इस एरिया में होता है, तो यहां पर धान काफ़ी कम मात्रा में आ रहा है, लेकिन बाजरा जो है अच्छी मात्रा के अंदर यहां भिवानी की मंडियों में पहुँचना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, कुछ किसान भी हैं और मंडी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले इनसे पूछते हैं, सर किस तरह की व्यवस्थाएं मंडियों में की गई हैं? आप खुद यहाँ पर खड़े हैं, क्या तो हमारे जमींदार थे सभी यही इंतजार कर रहे थे कि अभी 1 तारीख से गवर्नमेंट बाजरा खरीदेगी, तो आज ये जमींदार पर नंदगांव से बाजरा लेके मेरी दुकान पर आया है, तो आज देखो गवर्नमेंट खरीदती है या और कोई व्यवस्था करती है। क्या व्यवस्थाएं हैं मंडी में, अगर मंडी की बात की जाए, मंडी के अधिकारियों ने क्या व्यवस्थाएं हैं? भाई अभी तो हमें व्यवस्था कोई जानकारी है नहीं, मंडी के अधिकारियों से ही बात करते हैं। सर किस तरह की व्यवस्थाएं मंडियों में की गई हैं? हालांकि बाजार में कितनी किसान जो है वो आने की जरूरत है, क्या कर रहे हैं? बात ऐसे मंडी में हमने जो सरकारी खरीद की जो भी व्यवस्थाएँ हैं हमारे पक्ष पूरी तैयार हैं और जमींदार बाजार लेके आएगा, सरकार के जो भी आदेश हैं उनके ऊपर बिल्कुल पालन। सर किस तरह का लक्ष्य जो है वो रखा गया है मंडी का? तरह से जो किसान आ रहे हैं उनको किस प्रकार की प्रक्रिया से करना पड़ेगा? हालांकि उस पर देखने में मिलेगा कि पहले जाते हुए टोकन लेना पड़ रहा था, देने ना हो, किस तरह की व्यवस्थाएं जो की गई है वो तमाम प्रक्रिया बन अभी प्रक्रिया तो ये है कि जमींदार के पास शेड्यूल जारी होगा, शेड्यूल में मैसेज जाएगा, जमींदार के पास हमारे गेट के ऊपर लेके आएगा, गेट के ऊपर गेट मंडी में लेके आएगा, मंडी में ऑप्शन होगी, ऑप्शन से बाजरा रखा जाएगा। कितना लक्ष्य जो है वो बाजरा का रखा गया है, भिवानी की अगर बात की जाए किस प्रकार से किसानों के पास जो शेड्यूल है वो भेजा जा रहा है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच सके? सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है, जमींदार के पास इतना रजिस्टर्ड बाज है, सरकार दाना दाना चलते देगी, अभी तक हमारे पास चुनौती कर रही है। जिस प्रकार से जो यहाँ के अधिकारी हैं योगेश शर्मा जी, उनका कहना है कि सरकार के आदेश है कि दाना दाना जो है किसान की फसल का वो खरीदा जाएगा ताकि किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यही कहा था कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिएगी, उनका दाना दाना फसल का वो खरीदा जाएगा। किस प्रकार की व्यवस्थाएँ अगर मंडियों में किसानों के लिए, क्या कहेंगे आप? व्यवस्था अच्छी कर रखी गवर्नमेंट ने, पानी की, बाथरूम की और सब कुछ, मतलब किसानों के लिए सर अगर बात की जाए जब आप लोग आते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या परेशानी लोकल सिस्टम लोकल जाती है, जमींदार को कोई दिक्कत का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? किसानों का भी ये कहना है कि अधिकारी भी या तक कि आरती भी, इस तरह से पहले पीछे जो आरतियों की हड़ताल थी उसके कारण व्यवस्था जरूर जो है गड़बड़ाई थी, लेकिन अब आरतियों की हड़ताल जो है वो रिसॉल्व कर चुकी है, उसके बाद से पूर्ण व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर दी गई हैं और मंडी के अधिकारियों का भी यही कहना है कि किसी प्रकार की कोई समस्या जो है मंडियों में नहीं आनी है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुद्रे।